सोलन के कोटनाला में स्थित पार्किंग में खड़ी गाड़ियों पर एक विशाल पेड़ अचानक से गिर गया। गनीमत ये रही कि जिस समय ये घटना घटी उस समय पार्किंग में कोई मौजूद नहीं था, अन्यथा पार्किंग में जानी नुकसान भी हो सकता था। पार्किंग के मालिक की माने तो घटना का दोषी जिला प्रशासन है, क्योंकि इस पेड़ के खतरे के बारे में वे पहले ही अवगत करवा चुके थे, लेकिन उसके बावजूद भी प्रशासनिक अधिकारियों ने कोई कार्रवाई अमल में नहीं लाई, जिसकी वजह से क्षेत्रवासियों को लाखों रुपए का नुकसान झेलना पड़ा। पार्किंग संचालक ने रोष प्रकट करते हुए कहा कि वे पेड़ों के खतरे के बारे में कई बार जिला प्रशासन को अवगत करवा चुके थे, लेकिन उसके बावजूद भी जिला प्रशासन द्वारा कोई सकारात्मक कदम नहीं उठाया, और यही वजह रही कि प्रशासनिक अधिकारियों की लेट लतीफी की वजह से ये पेड़ भर भरा कर उनकी पार्किंग में खड़े वाहनों पर गिर गया, जिसकी वजह से वाहनों को भारी नुकसान पहुँचा है। उन्होंने बताया कि इस पर वन विभाग का नकारात्मक रवैया रहा, जिसके चलते ये घटना घटी है, इसलिए वे चाहते हैं कि इस घटना से जो नुकसान हुआ है उसे जिम्मेदार अधिकारी से पूरा किया जाए, ताकि उन्हें भविष्य में सीख मिले और आम जनता को नुकसान न उठाना पड़े। मैं सन्यासी बाबा बोल रहा हूं, और ये पेड़ जो गिरा है रात्रि को गिरा है, और रात्रि को गिरने से इतना जरूर हुआ है कि किसी जानी नुकसान नहीं हुआ, लेकिन आपके सामने नुकसान पड़ा है। और इन पेड़ों से मैं 2018 से एप्लीकेशन दे रहा हूं, और चार महीने से तो मैं ऑफिस में खुद जा रहा हूं, SDM ऑफिस 3 हफ्ते तक रेगुलर गया, DFS 3 हफ्ते तक रेगुलर गया, कमिश्नर के 2 हफ्ते रेगुलर गया, और जी अपने DC साहब के 3 बारी मिला हूँ, और एक्शन साहब को मिला हूँ, बिजली एक्शन को मिला हूँ, SDO को मिला हूँ, और इसके ऑर्डर DC साहब ने म्यूनसिपल्टी कमिश्नर को कर दिए थे कि इस पेड़ को काटो, लेकिन बस काटो ऑर्डर हुए और वो बस कूड़े में डाल दिए उन्होंने वो। और बार बार मैंने ये भी बोला कि मैं एक सन्यासी हूँ, दर दर की ठोकरें खा रहा हूँ, आप चिट्ठी पर चिट्ठी लिख रहे हैं लेकिन सुनाई कोई नहीं मेरी हो रही है, और आज यहाँ इतना बड़ा हादसा हो गया है, ये शुक्र है कि किसी की जानी नुकसान नहीं की। ये 2018 से केस चला हुआ है, और 4 महीने से मैं रेगुलर लगा हूँ, जिसका मैं प्रमाण लिखित मेरे पास प्रूफ है इनके, जो मैंने अर्जियाँ दी है, और ये पेड़ सेंक्शन हो गया। पर इसका मेन कारण है रेंज ऑफिसर जिसने इसको ये बोला कि नहीं काटना नहीं इसको, दूसरा है बिजली वाले, और तीसरा है कमिश्नर। ये जो खर्चा है ये सरकार से लिया जाए, जो भी इसका जिम्मेदार होगा, ये ऐसी मेरी प्रार्थना है।